मतलब सो था अभी 90% ठीक है ना, अभी दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ये पसीना इसलिए आ गया ना इसको, अभी नस चढ़ गई थी इसके पाँव पे, उससे थोड़ा सा फिर ना बहुत ज्यादा मतलब 5-6 मिनट तक ऐसे रहा। तो ये क्या करोगे, इसको हटाओगे? ये हटा के मतलब ये अलग रख दो? नहीं ये अलग कर दो। एक बार नस तो एक ही है ना, तो आप इसको क्यों? पायल मलिक की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, उन्हें जो कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उनकी जो कि 3 जांच हुई है और 3 जांचों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उन रिपोर्टों में क्या कुछ आया हम आपको बताते हैं। आपको बता दें पायल मलिक जो कि अचानक से उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और लगातार जो कि उनकी बोतलें और टीके लग रहे हैं और आप फैंस की जो कि दुआएं काम भी आ रही है और पायल मलिक जो कि रिकवरी कर रही है वो धीरे धीरे जो कि ठीक होती नजर आ रही है। उनकी तीनों रिपोर्ट सामने आ चुकी है और तीनों रिपोर्ट जो कि बिल्कुल नॉर्मल आई है। जी हाँ, रिपोर्ट जो कि बिल्कुल नॉर्मल आई है। आप फैंस की जो कि दुआएं काम आई और फिलहाल जो कि एक रिपोर्ट सामने आने वाली है जो कि 24 घंटे बाद आएगी, तो वो रिपोर्ट आपको सबसे पहले इस चैनल पर बता देंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आप दुआएं जरूर करें कि पायल मलिक जो कि जल्द स्वस्थ हो जाए और अपने जो कि घर फिर से लौट आए। जी हाँ, पायल मलिक फिलहाल जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, वो जो कि फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत जो कि सही होती नजर आ रही है और आप फैंस की दुआएं काम आ रही है। अगर आप पायल मलिक के फैंस हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ कमेंट बॉक्स में आप दुआएं जरूर करें।